नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल धाम में दर्शनार्थियों से भरी नाव बुधवार की दोपहर डूब गई। उस पर सवार 6 लोग डूब गए, जबकि 6 लोग किसी प्रकार से बच गए। सभी एक साथ माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने आए थे। दो परिवार पर आपदा की गिरी बिजली में दीपक मिश्र आदित्यपुर जमशेदपुर, तो दीपक तिवारी धुरवा रांची झारखंड के निवासी बताए गए हैं। मौके पर डीआईजी जिलाधिकारी और SP दलबल के साथ पहुंचे। गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। दो परिवार एक साथ माता विंध्यवासिनी के धाम में दर्शन पूजन करने के लिए आए थे। गंगा नदी में स्नान करने की मंशा से वह अखाड़ा घाट पर पहुंचे। नाविक के कहने पर सभी लोग उस पर स्नान करने की अच्छी व्यवस्था बताए जाने पर चले गए। स्नान के दौरान ही पानी बरसने लगा। नाविक तेज बारिश के बावजूद सभी को नाव से लेकर गंगा नदी के दूसरे छोर से वापस धाम की तरफ लौट रहा था। दर्शनार्थियों के मना करने के बावजूद चली नाव में पानी भरने लगा और नदी में नाव डूब गई, जिसमें राजेश तिवारी सहित परिवार के 12 सदस्य सवार थे, जिसमें से राजेश उम्र करीब 35 वर्ष, विकास उम्र करीब 28 वर्ष, दीपक उम्र करीब 27 वर्ष, वाहन चालक अज्ञात, अलका उम्र करीब 9 वर्ष, रितिका उम्र करीब 7 वर्ष, इनको बचा लिया गया। नाव में सवार गुड़िया उम्र करीब 28 वर्ष, खुशबू उम्र करीब 30 वर्ष, अनिशा उम्र करीब 26 वर्ष, सत्यम उम्र करीब 5 वर्ष सहित एक बच्चा उम्र करीब 2.5 वर्ष व एक बच्ची उम्र करीब 3 माह की डूब गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी नगर थाना विंध्याचल पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय नाविकों एवं गोताखोरों की मदद से डूबे हुए 6 लोगों की तलाश की जा रही है। मिर्जापुर से हरीश चंद्र की रिपोर्ट। देखिए, जनपद मिर्जापुर के अंदर में अखाड़ा घाट है, जो कि गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर पड़ता है। झारखंड के एक परिवार यहाँ पर आए हुए थे दर्शन पूजा करने के लिए। वहीं पर ये गंगा जी के दूसरे पार नहाने के लिए ये लोग करीब 12 आदमी एक नाव के अंदर में थे, दूसरे घाट की तरफ लौटते समय ये हादसा हुआ है। 6 बचा लिए गए हैं और 6 हैं अभी जो लापता हैं, उनकी अभी तलाश जारी है। हमारे गोताखोर पुलिस की जो फ्लड PAC है वो और NDRF भी इसके अंदर में लगाई गई है, जिससे कि जल्दी इनकी बरामद की। विंध्याचल दर्शन पूजन करने आए थे लोग, विंध्याचल दर्शन पूजन। जल पुलिस की बात होती है, जल पुलिस की यहाँ पे कोई ड्यूटी है कि नहीं? यहाँ पर हमारे जितने भी जो हमारे पास में जल पुलिस की ड्यूटी है वो लगाई हुई है। इस घाट पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है उनको, उस घाट पर उनकी सुरक्षा करना उनका दायित्व होता है। जहाँ पर भी कोई इंसिडेंट की खबर आती है वो तत्काल पहुंचकर उसके पश्चात उनकी कार्रवाई करना उनका दायित्व है। सर, ये लोग विंध्याचल दर्शन पूजन करने आए थे, उसके बाद हादसा हुआ, ये लोग क्या सैर करने निकले थे या क्या बताया जा रहा है? देखिए, अभी इनसे भी वैसे भी वो सदमे में है, उनसे पूछताछ भी चल रही है। पूछताछ में उन्होंने बताया है कि ये दूसरे तरफ में पूजा करने नहीं, स्नान करने के लिए जा रहे थे, लौटते समय एक घटना हुई है। और बाकी डिटेल अभी और पूछताछ करेंगे तब उनसे और किसी का 6 जो मिसिंग है उनमें किसी का पता चला होगा? अभी देखिए, अभी जांच पड़ताल जारी है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।